अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ुल्करनैन मोटो व्लॉग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CG125 2023 न्यू शेप न्यू ग्राफिक्स के साथ आ रहा है, तो फाइनली वो आ चुका है और आप लोग ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बार भी एटलस होंडा ने हमारे साथ मजाक ही की है, हमारी आवाम को फिर से उन्होंने मतलब कि एक ग्राफिक्स वही शेप के वही कलर के ओनली उनके थोड़ा सा कर दे के आपको न्यू शेप और न्यू मॉडल का नाम दे दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले होंडा CD70 का भी न्यू शेप आया था, तो उसमें भी एटलस होंडा ने ऐसा ही किया था कि ग्राफिक्स के कलर तक वही थे, ओनली शेप को उन्होंने कर्व दे के आपको न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस करा दिया। तो CG125 में भी ऐसा हुआ कि उन्होंने ग्राफिक्स के कलर भी वही रखे, सिर्फ ओनली उसके शेप को थोड़ा सा कर दे के आपको न्यू मॉडल का नाम दे के आवाम को लूट लिया। इसके साथ अगर हम CG125 स्पेशल एडिशन की बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम ग्राफिक्स हैं, ओनली एक आपको वाइट पट्टी दी गई है और उसके साथ आपको थोड़ी से ग्राफिक्स के कलर चेंज करके आपको CG125 स्पेशल एडिशन का 2023 मॉडल का कह के न्यू शेप दिया गया है। तो क्या एटलस होंडा के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो ग्राफिक्स के डिज़ाइन को चेंज करें, बल्कि आजकल वो ओनली कलर्स को चेंज करके आपको न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मतलब है कि इनके पास अब इतनी तौफीक भी नहीं है। पहले जिस तरह के प्राइस बढ़ रही हैं, इनको चाहिए था कि ये फीचर्स भी ज़्यादा करें, लेकिन अब तो कंपनी हमारे साथ कमाल करने लग गई हैं कि फ़ीचर तो बढ़ाने की बजाय वो अपने ग्राफिक्स को भी नहीं चेंज करते, बल्कि उसी कलर के ग्राफिक्स को कर दे के वो आपको न्यू शेप इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो आज की ये अपडेट थी, मैंने कहा मैं अपने फ्रेंड्स को फौरन दे दूं, जैसे ही शोरूम पे डिलीवर होगा हमारे यहाँ तो मैं जाके आपको डिटेल से भी ग्राफिक्स दिखाऊंगा और उनकी उस वक्त लुक दिखाऊंगा कि दिखने में कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।